नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पो नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। स्वर्गीय राजीव गांधी का आज जयंती है। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में उनकी जयंती मनाया जा रहा है और कांग्रेस के जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं वो पहुंचे हुए थे प्रदेश कार्यालय और राजीव गांधी के जो मूर्ति है उस पर माल्यार्पण कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो नेता हैं MLC हैं जो उनके मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं, पहले सुनिए उनकी बातों। स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जयंती के अवसर पर हम सब ने अपनी पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धासुमन अर्पित किया है। यह मौका है जब उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं, यह राष्ट्र उनके योगदान का और उनकी उपलब्धियों को भुला नहीं सकता है। खासकर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, नई शिक्षा नीति के मामले में, 18 साल के नौजवानों को जो वोटिंग राइट दिया उन्होंने, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करी, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आज जो आपके हाथ में मोबाइल है जो इससे आप सब शूट कर रहे हैं, ये औद्योगिक जो क्रांति हुई संचार के जगत में, इस सब के जगत स्वर्गीय राजीव गांधी, हमें उनके बताए रास्ते पर आगे भी चलना है और देश को आगे इसे बढ़ाते रहने में अपना योगदान देना है। यही संकल्प का दिन हम सब संकल्प लेते हैं पूरे राष्ट्र में, कहीं सद्भावना दिवस के रूप में, कहीं बलिदान के दिवस के रूप में, भिन्न भिन्न स्वरूपों में आज राजीव गांधी जी की जयंती मनाई जा रही है। मैं समझता हूँ उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है, हमें उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेना चाहिए और राष्ट्र के मजबूती में अपना योगदान देते रहना चाहिए। निश्चित रूप से वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे और हमारे नेता भी थे और देश के नौजवानों के आदर्श थे और अल्प समय में उन्होंने जो देश को आगे बढ़ाने का, विदेशी नीति को मजबूत करने का, देश को कंप्यूटर सेवा देने का और संगठन को मजबूती देने का जो काम किया वो बहुत ही सराहनीय था। उनको समय नहीं मिला, नहीं तो आज देश कुछ दूसरे हालात में होता। मैं उनको उनके जन्मदिन पर के अवसर पर सत सत नमन करता हूँ। यहाँ तो जन्मदिन उनका मनता है, शुरू से ही मनता रहा है और मैं समझता हूँ कि जिन लोग को भी नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन जब जन्मदिन मनता है तो उनको उनके कृति की चर्चा होती है और उनके कृति का चर्चा नाम जो भी दे, कहने का स्टाइल जो भी हो, लेकिन उनका कृति निश्चित रूप से अविस्मरणीय। हमारे नेता भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती पर सदाकत आश्रम में हम सभी बिहार के कांग्रेस जन इकट्ठा हुए हैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और उन्हें स्मरण करने के लिए। उनका जो देश के लिए योगदान रहा है आज इस अवसर पर, उनके जयंती के अवसर पर स्मरण करते हैं कि जिस तरह से आज पंचायती राज व्यवस्था देश में मजबूत हुआ है वह उनकी देन है। जिस तरह से सूचना क्रांति का अनुभव हम लोग आज पूरे देश दुनिया में कर रहे हैं, भारत की जो प्रतिष्ठा बढ़ी है वो राजीव गांधी की ही देन है। ऐसे महापुरुष को आज हम नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि राजीव गांधी जी का जो सपना है उसको आने वाले समय में हमारे नेता राहुल गांधी जी निश्चित रूप से पूरा करें और उनको आगे बढ़ाने में, उनको मजबूती देने में बिहार का कांग्रेस जन एकजुट है और चट्टानी एकता के साथ संघर्ष उनको आगे बढ़ाने में करता रहेगा। आपने सुना कांग्रेस के MLC समीर सिंह, प्रेमचंद मिश्रा और मदन मोहन झा किस तरह से राजीव गांधी को याद कर रहे हैं और उनके इस जयंती के अवसर पर संकल्प ले रहे हैं और ये जयंती है उनका सद्भावना के रूप में मना रहे हैं। इस तमाम खबरों को बनाए न्यूज़ फोरेंसन के साथ। नमस्कार।